आखिरकार पूरे देश की तरह कश्मीर घाटी में भी वैक्सीनेशन की पहली फेज में आज यहां पर फ्रंटलाइन वॉरियर्स को वैक्सीन दी गई और ये प्रक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद तुरंत शुरू की गई। और अभी हम मौजूद हैं कश्मीर घाटी के स्किम्स अस्पताल में, जो कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से जाना जाता है और कश्मीर घाटी में एक बड़ा इंस्टीट्यूट साइंस के हवाले से माना जाता है। और यहाँ पर भी जो 40 वैक्सीन सेंटर्स जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर रखे गए हैं, उसमें से एक सेंटर यहाँ पर भी रखा गया है और यहाँ पर आज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की गई बाज़ाबता तौर पर, जिसमें प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 40 वैक्सीनेशन सेंटर्स 20 जम्मू में और 20 कश्मीर घाटी के लिए रखे हैं। उसमें हर वैक्सीनेशन सेंटर यानी जो 20 कश्मीर घाटी के लिए है और 20 जम्मू रीजन के लिए है, वहां पर 100 व्यक्तियों को वैक्सीन दिया जा रहा है और ये प्रक्रिया शुरू की गई है कुछ देर पहले। और करीबन जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 20 कश्मीर घाटी और 20 जम्मू रीजन के जो वैक्सीनेशन सेंटर है, वहाँ तमाम तैयारियाँ सुबह से ही की गई थी और अब ये प्रक्रिया जारी शुरू की गई है, जिसमें सबसे पहले पहले फेज़ में पूरे देश भर की तरह यहाँ पर भी फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्हें दिया जाएगा। और सिक्किम्स में भी इसी तरह की प्रक्रिया शुरू की गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले ही कुछ पोस्टर्स और बैनर्स भी रखे गए हैं, यानी कि एक बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि अगर आपको टीका लग भी गया उसके बाद भी आप उन तमाम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें जो कि कोरोना को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। कोविड-19 वैक्सीन इज सेफ, उसके बारे में जानकारी दी गई है। फॉर वैक्सीनेशन यू मस्ट कैरी योर फोटो आईडी फॉर वेरिफिकेशन, वेट फॉर 30 मिनट्स आफ्टर यू हैव बीन वैक्सीनेटेड, यानी पहले जो आपको टेक्स्ट मैसेज आता है कि आपका टीका लगना है, उसके बाद क्या क्या आपको यहाँ पर नियम फॉलो करने हैं उनकी भी जानकारी पहले ही जो वैक्सीनेटेड जो सेंटर्स हैं उनके बाहर ही रखी गई हैं। यानी कि उसके बाद 30 मिनट टीका लगने के बाद आपको इंतज़ार करना है। और डू टेक सेकेंड डोज आफ्टर ड्यू डेट फॉर कंप्लीट प्रोटेक्शन, यानी जिस बात की लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की और उस पर जोर दिया कि आप दूसरा टीका कराना ना भूलें, यानी आपका पहला टीका लग गया उसके बाद दूसरा टीका लगवाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर्स जिन्हें हम फ्रंटलाइन वॉरियर्स कहते हैं, जिन्होंने कोरोना में जिस तरह पूरा देश जूझ रहा था उसमें अपनी जान पर खेलकर कई लोगों की जानें बचाई, उनको दिया जा रहा। और ये तीन नियम जो है वो आपको फॉलो करने हैं। उसके बाद यूज मास्क करेक्टली, वॉश हैंड यानी मास्क का उपयोग करें, हाथ धोएं 6 फीट यानी 2 गज की दूरी जो प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं वो भी आप फॉलो करें। अगर आपको कोई सिम्टम लग रहे हैं और वो सिम्टम्स आप तुरंत जो है उनको देखकर जो अपने आप को आइसोलेट करें और अगर ज़रूरत महसूस हो तो डॉक्टर को भी दिखाएं। तो कोविड को लेकर टीका लग गया, आप ये ना समझें कि आप कोविड के जो प्रोटोकॉल है वो आप भूल जाएं। उसकी लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की अपने संबोधन में और यहाँ पर भी तमाम कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर इस बात पर जोर दिया है। कैमरा पर्सन सैयद मुर्ता के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।